प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास का एक खास टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों का संयोजन। दोस्तों आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि संधारित्रों का संयोजन विशेष रूप से दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है श्रेणीबद्ध संयोजन, जिसको अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और दूसरा होता है यानी समानांतरबद्ध संयोजन, जिसको अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो भी बच्चे जीमेंस और नीट के पेपर का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन से जो भी व्यंजक आएगा उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हम ऐड कर आज बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज बिश्वर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल बिश्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे समानांतर क्रम संयोजन, जिसको अंग्रेजी में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे चुके, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी संधारित्रों का समानांतर क्रम समूहन क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करना है, तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तीन कैपेसिटर बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होनी चाहिए कि कैपेसिटर कैसे बनाया जाता है, आपको मैंने बताए हैं, आप जरूर वीडियो देखे होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं और आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तब जाकर आपको एनी टाइम आपके दिमाग में बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये तीन संधारित्र हो गया, अब तीन कैपेसिटर हो गया, और इसको जानते हैं हमें कैसे जोड़ना है, इसको समानांतर क्रम में जोड़ना है। चलिए यहां पर हम इसको जोड़ रहे हैं समानांतर क्रम में, चलेंगे इसको समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कैसे मालूम चलेगा कि ये समानांतर क्रम में है, सब कुछ मैं बताऊंगा। और इधर से यानी सेल के धनध्रु से जोड़ दिए, और इधर से सेल के ऋणध्रु को जोड़ दिए, और यहां पर यानी प्लस टर्मिनल के लिए इस साइड आपका पोटेंशियल भी इसके लिए, और इसके लिए पोटेंशियल शून्य, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, आप एक एक बात को समझिए, यहां पर जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा कि जोड़ दिए सेल से, तो यहां पर क्या होगा, पहले इसकी धारिता C1 होगा, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3, यानी जो पहला कैपेसिटर है इसकी धारिता C1, दूसरा कैपेसिटर की धारिता क्या होगा C2, और तीसरा कैपेसिटर की धारिता क्या होगा C3 होगा। प्यारे बच्चों, यहां से देखिएगा, यहां पर Q चार्ज यानी निकल रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है, यहां पर आने के बाद जो क्यू चार्ज है ये तो बढ़ जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर आएगा। तो चलिए दोस्तों, इधर Q1 चार्ज हो गया, इधर Q2 चार्ज हो गया, और इधर Q3 चार्ज हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। और दोस्तों यहां पर एक पॉइंट ए ले लेते हैं, और यहां पर एक पॉइंट मैंने बी ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखना है कि इन ए जो आपको कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, क्या इन तीनों कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा या अलग अलग होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां से क्या आएगा, भी यहां पर आएगा, यहां पर, और यहां से एक क्या होगा, यहां पर आएगा, और इन दोनों के लिए देखिए, इधर से भी इधर से जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इसके लिए भी इधर से भी इधर से जीरो, इसके लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, इधर से भी और इधर से क्या होगा यानी जीरो, इधर भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक चीज आपको मिल रहा है कि प्रत्येक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, डिफरेंस है, वो क्या है, डिफरेंस है, मतलब इसका पोटेंशियल क्या होगा भी, इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको मालूम है एक फॉर्मूला कि यहां पर यानी C बराबर कैपेसिटेंस के लिए Q बटा भी होता है, तो Q बराबर क्या होगा C भी होता है, यही ना होता है। तो दोस्तों यहां पर Q1 के लिए क्या हो जाएगा, तो C1, इसकी धारिता तो C1 है, और यहां पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा बताइए, Q2 के लिए आप क्या लिखेंगे, C2 भी लिखेंगे, और इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो C3 भी लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। प्यारे बच्चों, आप सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़े थे, और आज हम आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता रहे थे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिएगा कि जो चार्ज है, चार्ज विल बी यानी क्या है, चार्ज विल बी ये क्या है, डिफरेंट है,
चार्ज विल भी क्या है, डिफरेंट है, ये अलग अलग है। प्रत्येक कैपेसिटर के लिए चार्ज क्या है, अलग अलग है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाए दोस्तों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। यहां पर पोटेंशियल विल भी क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, यानी प्रत्येक कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, समान होगा। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यही ना चार्ज जाकर ये अलग अलग बटा है, पहले कैपेसिटर में, दूसरे कैपेसिटर में, तीसरे कैपेसिटर में, तो जो कुल चार्ज होगा Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से अब आपको कैसे बनानी है, तो प्यारे बच्चों Q बराबर ये जो Q1 है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, C1 भी, आप प्लस Q2 के लिए C2 भी, आप प्लस Q3 के लिए यहां पर क्या होगा, C3 भी। और जो यहां पर कुल चार्ज है तो इसकी समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो समतुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों इस फिगर को हम ऐसे, यानी समतुल्य धारिता के लिए हम फिगर हम बनाना चाहे तो दोस्तों इधर से हम मिटका देते हैं और आप आराम से देखिएगा इसका फिगर कैसे बनेगा, समतुल्य धारिता के लिए ऐसे बना लेंगे। ये पहला कैपेसिटर, एक पहला एक ही ना कैपेसिटर रहेगा, यहां पर सीबी, इसको पैरेलल में जोड़ना है, चलिए इसको बैटरी से जोड़ दिए, इसको बैटरी से जोड़ दिए, इसकी धारिता सीपी हो गया। अब यहां से देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, इसका पोटेंशियल तो यही ना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा, और चार्ज यहां पर जो भी क्यू देंगे इसको चार्ज वही मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है, ए चार्ज दोनों सेम है, तो क्यू बराबर यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो प्यारे दोस्तों क्यू बराबर क्या मिलेगा, यानी सीपी आई इंटू क्या मिलेगा, भी मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर जो क्यू है तो क्यू यानी क्यू तो क्यू के लिए क्या होगा, सीपी यानी पैरेलल ऑफ कैपेसिटेंस इंटू भी, अब बराबर भी कॉमन कर लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो प्यारे दोस्तों भी से भी कैंसिल, तो यहां पर सीपी बराबर क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए तो कितना आसान व्यंजक रहा। तो आज के बाद कोई भी आपसे प्रश्न करे कि समानांतर प्लेट नहीं समानांतर सॉरी कोई भी आपसे प्रश्न करे कि यानी संधारित्रों की समानांतर क्रम समूहन का व्यंजक क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों सीपी बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसको n तक जोड़ा जाए तो प्यारे दोस्तों आपको रिजल्ट क्या मिल सकता है, n तक जोड़ा जाए तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस यहां पर डॉट CN, अगर n टर्म तक जोड़ा जाए। अब यहां पर विशेष बात आपको बताएंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों यहां से हम मिटका देते हैं और बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगर प्यारे दोस्तों देखिए प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता समान हो, प्रत्येक कैपेसिटर की धारिता समान हो और इसको n तक जोड़ा जाए तो यानी क्या होगा, समतुल्य धारिता क्या होगा, तो दोस्तों यहां पर हम क्या कर लेंगे, सीपी बराबर प्रत्येक की धारिता c हो और इसको n तक जोड़ा गया है, n टर्म तक जोड़ा गया है, तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो सीपी बराबर ए क्या हो जाएगा, n इंटू सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n इंटू सी हो जाएगा। और प्यारी दोस्तों आपको मालूम होनी चाहिए सीरीज के लिए हम क्या बताए थे कि समान संधारित्र की धारिता को श्रेणी क्रम में n तक जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या बताए थे, c बटा n बताए थे। अब यहां से एक नया हमें रिजल्ट मिल सकता है, कभी कभी देता है कि सामान्य संधारित्र की धारिता को n तक जोड़ा जाए तो समानांतर क्रम समूहन और श्रेणी क्रम समूहन का तुल्य धारिता क्या होंगी, तो प्यारे दोस्तों यहां से हम क्या कर लेंगे, सीपी बटा सीएस, इन दोनों का अनुपात चाहिए तो n इंटू सी अब बटा क्या होगा, सी बटा एन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, सीपी बटा सीएस बराबर ये ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर इंटू सी बटा सी, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो हम लोग के पास क्या मिला, सीपी बटा सी एस बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है बटा एक देख सकते हैं, तो सीपी अनुपात सी एस बराबर एन स्क्वायर अनुपात एक होगा। अगर इसको पलट दे सी स्क्वायर अनुपात सीपी कर दे तो 1 अनुपात क्या होगा, एन स्क्वायर होगा, जो ये काफी ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।